फ्रेंड्स वेलकम बैक, मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। वेक्टर कैलकुलस के ऑलरेडी दो वीडियो देख ली थी जहां पे पैरामीटराइजेशन देख लिया था, और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस का हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यहां पे ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट ये एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो चीजें समझानी है, वो आपको पता ही है लेकिन बेसिक फंडा आप समझ लो तो ग्रेडियंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज स्केलर फील्ड। अब स्केलर यहाँ पे स्केलर फील्ड आप डायरेक्टली समझ सकते हो, एंड यहाँ पे एक आता है वेक्टर फील्ड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक से एक डिफरेंस होता है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन नहीं दिया होता है, और डायरेक्शन उसमें आता ही नहीं है, उसी को हम स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर जो होता है उसमें हमेशा डायरेक्शन आता है। नाउ अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर, तो बहुत इजी है। वेक्टर में आपको हमेशा आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट ऐसा देखने को मिलेगा, जबकि स्केलर में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। नाउ इसका ग्रेडियंट से क्या लेना देना है? तो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या बोलता है कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, देखो ध्यान से सुनना, ग्रेडियंट का बोलता है जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ अगर हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करें। डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये जो नेबला, इसको बोलते हैं नेबला, ठीक है। जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ अगर आप नेबला को, यानी कि एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पे आपको मिलता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो आपका स्केलर क्वांटिटी है उसको अगर आप नेबला से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर नेबला को आप स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा ऑफिशियल जो नोटेशन है उस फॉर्म में अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये जो नेबला है, या फिर अगर हम इसको कहें डेल, इसको डेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डेल या नेबला, इसको अगर आप स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे वेक्टर मिलेगा आपको। किस तरह से मिलेगा? तो जनरली क्वेश्चंस किस तरह से होंगे आपके पास, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूं, आपको ग्रेडियंट के क्वेश्चन किस तरह से दिए हुए होंगे और आपको उसके साथ किस तरह से डील करना है। अब यहाँ पे ये जो हम डेल की बात कर रहे थे या फिर नेबला की बात कर रहे थे, वो एक्चुअल में है क्या? नेबला इज डिफाइंड एज आई कैरेट डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैरेट, ठीक है, या फिर अगर हम इसको कहें, ये आई जे के को आगे लिख रहा हूं, फिर डेल वाई एंड के कैरेट डेल बाई डेल जेड, ठीक है, आई कैरेट डेल बाई डेल एक्स, जे कैरेट डेल बाई डेल वाई एंड के कैरेट डेल बाई डेल जेड। अब यहां पे ये जो नेबला है उसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? मुझे स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि मुझे क्वेश्चन में दी होगी, स्केलर क्वांटिटी दी होगी। तो यहां पर डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा, फाइंड नेबला फाई, और इसको यहां पे आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, इसकी जगह पे, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है, ग्रेड फाई, क्या बोलेंगे? ग्रेड फाई, ठीक है, फाइंड ग्रेड फाई इफ फाई इक्वल्स टू, यहाँ पे फाइव की वैल्यू दी गई होगी क्योंकि फाइव के साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फाइव की वैल्यू दी गई, फाइव इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? फाइव की वैल्यू दी गई है। और आगे क्या बोला है यहां पे? एट वन माइनस वन एंड वन, ये आपको सम दिया हुआ हो, ठीक है। अब सम ऐसा दिया हुआ है, और ये एट वन माइनस वन वन, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फाइव दिया हुआ और यहां पे हमारे पास नेबला, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर बार यही आएगा, इसको डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं, इसको मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फाई को हम नेबला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, फाई को नेबला के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे होगा क्या? यहां पे ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ भी होगा, इसके साथ और इसके साथ भी होगा। ध्यान से सुनना, ग्रेडियंट में फाई जो होता है वो सबके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरे के साथ हो रहा है, फाई के साथ मतलब डेल के साथ हो रहा है, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहां पे मैं लिखूंगा आई कैरेट डेल बाय डेल एक्स, और यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पे जे कैरेट, फिर यहां पे डेल बाय डेल वाई, और यहां पे आएगा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद यहां पे अगेन के कैरेट एंड डेल बाय डेल जेड, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो डेल बाई डेल एक्स इसका मतलब क्या होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये पूरा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स नहीं, ये क्या है डेल बाई डेल एक्स है। डेल बाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर यहां पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं बोलता हूं, तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है कि x को छोड़ के बाकी जो भी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। और एक बार कांस्टेंट की तरह माना जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और मुझे यहां पे i कैरेट पे मिलेगा x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 2x। फिर अगर हम आगे बात करते हैं j कैरेट, तो यहां पे डेल बाय डेल y है और x और ये z जीरो हो जाएगा और y का आ जाएगा 2y। फिर यहां पे j k कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे डेल बाय डेल z, तो यहां पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे और आएगा 2z। नब इतना आने के बाद आगे अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि एट 1 माइनस 1 एन 1 इस पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है तो 1 माइनस 1 एन 1 ये x की वैल्यू है, y की और z की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू, x की जगह पे 1 रख दूंगा तो यहाँ पे आएगा 2i कैरेट, फिर यहाँ पे y की जगह पे माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 2j कैरेट, और फिर यहाँ पे प्लस z की जगह पे रखूंगा 1 तो 2k कैरेट, ये आंसर आएगा। यहाँ पे आप i और j के इसको नहीं निकाल सकते। तो बेसिक फंडा क्या था कि जैसे ही आप ग्रेडियंट की बात आती है तो आपको यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी d होती है, जैसे ये स्केलर क्वांटिटी है और इस स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर नेबला यानी डेल उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, ये है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके ऊपर से आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ये सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा और भी सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन वीडियो में आपको एक ही एग्जांपल समझा रहा हूँ, और सारे एग्जांपल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे लेकिन हमारे स्पेशल मटेरियल में मिल जाएंगे। लेकिन मटेरियल सिर्फ वेक्टर कैलकुलस का नहीं है, मैक्स 2 का खास करके बनाया हुआ है, तो पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, सिर्फ वेक्टर कैलकुलस का नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आईएमपी मटेरियल है जिसकी डिटेल आपको, डिटेल वीडियो की ये मटेरियल क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी मिल जाएगी, उसके बाद ही आप हमारा कॉन्टेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।